हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू सहानी है और मैं आप लोग के लिए एक और नया ट्यूटोरियल यहाँ पे लेके आ गया हूँ। वेलकम टू सोनू कंप्यूटर एकेडमी। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट का ये जो हम लोग का होम है, ठीक है, ये होम के अंदर ना अलग अलग रिबन होते हैं। मतलब कि ये होम है, होम के अंदर का हम पूरा आज ये सीखेंगे कि ये रिबन का यूज़ क्या क्या होता है। जब अगर हम लोग ने ये सीख लिया ना दोस्तों, यकीन मानो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आएगा वो भी सेम टू सेम सिमिलर यही रहेगा जो हमें ये पढ़ना है आगे जाके, ठीक है। तो मतलब 50% हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अगर हम होम के या तो इंसर्ट के रिबन ये सब सीख लेते हैं तो हमारा 50% कंप्लीट हो जाता है आगे के पूरे कोर्सेस, ठीक है। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग का, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने इस ट्यूटोरियल से बनाने से पहले अभी जो मैं अभी ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ उससे पहले मैंने एक और ट्यूटोरियल बनाया है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट यूज में कि हम लोग का यूज़ क्या क्या होता है और उसके ये जो टाइप्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब आपको बना के यहाँ पे दिया हूँ। मेरे ये ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिंक में शेयर करके रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वो भी आप पढ़ सकते हो, उसके बाद फिर ये कोर्स पे आ जाइएगा। अभी सबसे पहले हमें सीखना है होम टैब में कॉपी पेस्ट और ये फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, ये ऑप्शन पढ़ना है। तो लेकिन ये ऑप्शन पढ़ने के लिए यहाँ पे इससे पहले ये ट्यूटोरियल में मैं बताया था इजिकल टू RAND टाइप करो, ब्रैकेट ऑन करो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो, यहाँ पे आपका रेडीमेड फॉर्मेट मिल जाएगा। इससे होता क्या है, कंप्यूटर में एक सिस्टम है जिसमें कि ये सॉफ्टवेयर जिसने बनाया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसने पहले से ही एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आप यह टाइप करोगे इजिकल टू RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करोगे तो इससे क्या होता है, एक रेडीमेड फॉर्मेट आ जाता है। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ सीखना है तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो ये फायदा होता है। अब जैसे कि मैं जब भी इजिकल टू RAND मतलब प्रेस करूँ तो कितना पैराग्राफ आ रहा है दोस्तों, टोटल 5 पैराग्राफ आ रहा है, देखना है। देखो अब पता कैसे चलेगा पैराग्राफ, ये 1 पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, टोटल 5 पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। अब बोलोगे नहीं मुझे ना 5 नहीं आना चाहिए, मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए, तो इजिकल टू RAND, ओके, RAND ब्रैकेट ऑन उसके अंदर डाल दो 10 और ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो, देखो 10 पैराग्राफ आ गया। अब इससे पता कैसे कैसे चलेगा कि 10 पैराग्राफ है, देखो जो हमारा 5 पैराग्राफ था ना, 1 2 3 4 5, ये तो है ही, लेकिन उसके बाद वापस से यही पैराग्राफ रिपीट आ गया है, देखो वही रिपीट होते जाएंगे। तो ये होता है हमारा 5 के बाद फिर 10 पैराग्राफ। अगर आपको टोटल 15 पैराग्राफ चाहिए तो आप उसके अंदर में मतलब सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो आपको 15 चाहिए तो 15 भी डाल सकते हो, या तो 50 चाहिए तो 50 50 ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दो, देखो 50 आ जाएंगे। अब पता कैसे चलेगा कि 50 आया है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दिख रहा है ये अब जैसे ये देखो, ये जैसे इतने सारे पेजेस तो है, मैं स्क्रॉल बार करके अप कर रहा हूँ तो ये 50 है यहाँ पे, 50 पैराग्राफ। अब इसको काउंट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं बनाया हुआ हूँ, तो इसमें अब हम एक एक करके सीखेंगे क्या। सबसे पहले हमें कट कॉपी पेस्ट सीखना है, उसके बाद फिर फॉर्मेट पेंटर, फिर उसके बाद फिर ये फॉन्ट फॉन्ट का बॉक्स सीखना है, ओके, फॉन्ट बॉक्स सीखना है, उसके बाद फिर ये पैराग्राफ बॉक्स, फिर ये एक स्टाइल बॉक्स, फिर उसके बाद एडिटिंग और ये हमारा वॉइस, ओके, ये वॉइस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चालू है इसके लिए यहाँ पे बता रहा है। तो इसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा होम टैब के अंदर का रिबन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं काम करता हूँ यहाँ पे दिया है कट, मतलब कट मतलब क्या होता है, कट करना, मतलब जैसे होता है ना एक, जैसे कि मैं सपोज इसको सेलेक्ट करता हूँ, इतना मैंने सेलेक्ट किया, ओके, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो हाईलाइट हो गया, अभी पहले हाईलाइट नहीं हो रहा था क्योंकि कोई चीज़ हमने सेलेक्ट नहीं किया था। तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि अगर आपको क्या यूज़ करना है, मतलब किसका यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है तो इसका यूज़ करना है तो आपको वो चीज़ सेलेक्ट करना है, कमांड देना पड़ता है कि सर मुझे इस पे काम करना है, तो मैंने इतना सेलेक्ट किया और उसके बाद कट पे क्लिक कर दिया। जैसे ये कट पे क्लिक करूंगा तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या कट हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, देखना है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये कट कट पे क्लिक है, देखो वो चीज़ गायब हो गया। अब अगर आपको किधर पर चाहिए कि मुझे सर इसके नीचे चाहिए, मतलब ये लाइन के नीचे, तो एंटर प्रेस किया, यहाँ पे चाहिए ये चीज़, तो काम करो ना वापस लाना है तो कट कर, एक बार आपने कट कर दिया ना तो उसके बाद यहाँ पे पेस्ट है, ठीक है, ये पेस्ट पे क्लिक कर दो, Ctrl+V, ये सब में ऑप्शन होता है, मतलब कट कॉपी पेस्ट, ये पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर है, चाहे आप आगे जाके एक्सेल सीखो, पावर पॉइंट सीखो, फोटोशॉप सीखो,
बहुत मतलब कहाँ पे भी जाओ कट कॉपी पेस्ट आपको हरदम ये काम आने वाली है। ओके तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया देखो वो चीज़ इधर आ गया। क्या मुमकिन है कि अगर आपने एक बार कॉपी मतलब सॉरी एक बार अगर आपने कट किया वो चीज़ को, क्या बार बार आप वही चीज़ रिपीट ला सकते हो? ला सकता हूँ, ये कंप्यूटर में पॉसिबल है। देखो पेस्ट किया फिर पेस्ट किया, पेस्ट करते जाओ, देखो वही चीज़ आपका बार बार आते रहेगा। ठीक है, ये हमारा कट था और पेस्ट था, ये तो समझ में आया कट मतलब क्या। लेकिन कॉपी मतलब क्या होता है ये देखो। जैसे कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए सेम, अब मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो चीज़ कॉपी पे क्लिक करूँगा तो वो चीज़ यहाँ से हटेगा नहीं, ये होता है कॉपी का फ़ायदा। तो वो चीज़ वहीं रहेगा लेकिन उसका डुप्लीकेट अगर आपको चाहिए तो पेस्ट कर दो, फिर पेस्ट कर दो, फिर पेस्ट कर दो, फिर पेस्ट कर दो, ये चीज़ है। मतलब कट मतलब वो ओरिजिनल उसका कट नहीं होगा। ओके ठीक है, कॉपी मतलब ओरिजिनल उसका मतलब कट नहीं होगा, और कट मतलब उसका ओरिजिनल चीज़ कट हो जाएगा। ओके वो चीज़ वहाँ पे नहीं रहेगी, ये होता है हमारा कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। इसका शॉर्टकट की भी है, अभी जैसे इसका शॉर्टकट की क्या है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कट, कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एक्स मतलब कंट्रोल कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो और एक्स अब प्रेस कर दो। जैसे एक्स में प्रेस करूंगा आपको तो दिखेगा नहीं मेरा कीबोर्ड का की, ओके शॉर्टकट की, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल एक्स करूंगा देखो वो चीज़ यहाँ पे गायब हो गया। अब मुझे सेम मुझे वही चीज़ मुझे यहाँ से क्लिक करके नहीं लाना है, पेस्ट करके मुझे कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, ओके कंट्रोल वी करूँ, देखो कंट्रोल वी किया देखो आ रहा है, ये होता है हमारा कट कॉपी पेस्ट। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद देखो क्या है, सिंपल है। माइक्रोसॉफ्ट अगर आपने वर्ड सीख लिया ना तो आपको बहुत सारी जिस चीज़ें करने आ जाएगी। इसके अंदर आपको मैं बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद कैसे सर्टिफिकेट बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें कि आप देखोगे तो बोलोगे अनबिलीव, मतलब ये सब भी काम हो सकता है इस ये चीज़ के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, तो सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये चीज़। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, कहाँ से? ये चीज़ से। इसको बोलते हैं बोल्ड। क्या बोलते हैं? बोल्ड। लेकिन चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे आप यहाँ से कहाँ से भी, मतलब पढ़ना तो वही चीज़ है। चलो मैं काम करता हूँ ये यहाँ से। मैं ना मैं सोच रहा हूँ ना, ये बी बी फोर मतलब बोल्ड, बी फोर मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या? कोई चीज़ को डार्क करना, जैसे हेडिंग को डार्क करना, जैसे होता है ना हमारा कोई स्टोरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, न्यू स्टोरी, ठीक है, न्यू स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, मुझे इसको क्या करना है, डार्क करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद मतलब कोई भी चीज़ याद रखना, कोई भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ही मतलब सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद ही आप इसको बोल्ड मतलब बहुत सारी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे बोल्ड है, बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, डार्क में हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डार्क में मतलब हेडिंग में हो गया। देखो इसमें नहीं है बोल्ड, इसमें है, तो ये फर्क होता है। ये मतलब यहाँ पे ये डार्क में, अगर आप इसका प्रिंट आउट भी निकालोगे तो ये नॉर्मल रहेगा और ये डार्क में रहेगा वो टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बोल्ड के बाद है आई, आई फॉर इटालिक। इटालिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, ये क्लिक किया है देखो, और इसका शॉर्टकट की भी है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है जा रहा है, और कंट्रोल आई फॉर इटालिक। जैसे कि कंट्रोल आई प्रेस किया देखो टेढ़ा थोड़ा ये चीज़ हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यू, यू फॉर अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन मतलब क्या? जैसे मैं यू इस पे क्लिक किया देखो, ये इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। याद है हम स्कूल में जो भी पढ़ाई करते थे तो हमें मैनुअली अंडरलाइन घास से करना पड़ता था। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आप जो भी चीज़ को सेलेक्ट करो और उस पर क्लिक कर दो, अंडरलाइन हो गया। देखो ये चीज़ को हम लोग को बता सकते सामने वालों को कि ये चीज़ अंडरलाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, ये होता है फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये तो कंप्लीट हो गया यू फॉर अंडरलाइन। उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ दिया है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल मतलब क्या? जैसे हैंड राइटिंग अलग अलग देख रहे होगे कि यहाँ पे अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जब जाऊँ ना, तो इसके बाद जो भी बॉक्स पे मैं यहाँ पे रख दूँ, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, देखो इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं सबको सेलेक्ट कर देता हूँ इतना, तो इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो, ये बॉक्स में मैंने बताया था, ये बॉक्स को आप अगर क्लिक करते हो ये इसमें नहीं, तो ये नीचे का अंदर का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर अंदर का ऑप्शन आपको बाहर चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये प्रीव्यू यहाँ पे आपको बताएगा। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो उसका स्टाइल यहाँ पे बताएगा कि ये स्टाइल ऐसा होता है, या तो यहाँ पे देख लो, देखो ये स्टाइल ऐसा होता है, उसके नाम भी दिए हुए वहाँ पे शो कर रहा है, एरियल राउंडेड एम्प्टी पोल्ड। ठीक है,
इसके बाद में ये चाहिए तो ये ले लो, या तो ये देखो अलग अलग चीज़ है, इसका प्रीव्यू यहाँ पे बताएगा। ये होता है हमारा फॉन्ट स्टाइल, इसमें अलग अलग, अगर सपोज मैं ये ले लेता हूँ कोई अच्छी राइटिंग, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ यहाँ पे, ओके 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 ठीक है, मैं जल्दी से फटाक से ये ले लेता हूँ। चलो अब ये मैंने स्टाइल ले लिया, यहाँ पे ये स्टाइल आ गया। अब मेरे को ये स्टाइल ना दूसरा चाहिए यहाँ पे, तो ये काम करो ना, कोई भी जो भी आप लोगे यहाँ यहाँ पे शो करेगा। देखो फर्स्ट पे मतलब वो नीचे का ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, वो रहेगा नीचे लेकिन वो बताएगा आपको कि ये आपने ये टेक्स्ट लिया है। ओके ये कॉपर ब्लैक ले लेता हूँ एकदम, इसमें इसमें बोलोगे ये डार्क है, ये है, इसमें बोल्ड देने की जरूरत नहीं है, सब रेडीमेड होता है। ये हो गया हमारा स्टाइल। अब बोलोगे कि नहीं मुझे ना इसकी साइज बड़ी करनी है, देख इसकी साइज क्या, ये टेक्स्ट की साइज बड़ी करनी है, इसको ये बहुत छोटा है, मतलब हेडिंग को बड़ा करना है, इसको सेलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ पे दिया है क्लिक करो, यहाँ पे एड दिया, एड मतलब छोटा एकदम, फॉन्ट की स्टाइल जो मतलब साइज है ना ये एकदम स्मॉल में हो जाएगी। अब मुझे इससे और बड़ा चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ रखते जाओ 12 14 16 18 20 22 26 इतना बढ़ जाएगा। मैक्सिमम कितना है दोस्तों, 72, कितना है इसमें 72। अब बोलोगे नहीं मुझे 72 से भी ज़्यादा चाहिए फॉन्ट का साइज, तो काम करो अगर आपको 72 से भी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। ओके इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ एक वन टाइम, यहाँ पे देखो 14 हुआ, यहाँ पे क्लिक करूँ, ये मतलब क्या होता है, ये 1 by 1 ऐड होते जाएगा उसके अंदर। देखो 28 20 30 48, 48 के बाद 72, आप इस पर क्लिक करो, 72 से ज़्यादा होगा क्यों नहीं होगा, करते जाओ करते जाओ, जितना आपको चाहिए वो करते जाओ, लेकिन इतनी फॉन्ट की मतलब इतनी साइज की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन दिया है करके। ठीक है ये हमारा होता है, और ये चीज़ होता है ये डिक्रीज होता है, मतलब ये प्लस पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, मतलब बोलते हैं ना हर चीज़ का एक दो वैल्यू होता है, कि एक पॉजिटिव भी होता है एक नेगेटिव भी होता है, एक वन साइड एक दूसरे साइड। तो यहाँ पे इंक्रीज करो डिक्रीज करो, इतना तो समझ में आ गया। ये भी बोल्ड इटालिक अंडरलाइन, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद अब आ जाओ यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, अब एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, कि अगर जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ मतलब जैसे क्या काम कर रहा हूँ, एक बुक्स है उसके अंदर हम कोई लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखते 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 अगर कोई रॉन्ग हो जाता है, पेन से लिख रहा हूँ अगर सपोज, तो हम क्या करते हैं उस पे सेलेक्ट, मतलब उसको हम ऐसे कर देते, जैसे सेलेक्ट किया और ये ऐसा साइन दे दिया, ये सामने लोग को बताते हैं कि ये चीज़ रॉन्ग है। ठीक है तो इसी का भी ऑप्शन वही चीज़ दिया है स्ट्राइक, मतलब कि यहाँ पे ओके स्ट्राइक थ्रू का, तो इस पे क्लिक करो, हटाना है हटा लो जो भी आपको चाहिए। ठीक है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये अब इसके बाद अगर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मतलब ये सबको डिलीट करना है, तो मैं क्या काम करूँगा, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, अगर नहीं समझ में आता है तो एक ऑप्शन है इसके अंदर सेलेक्ट में, सेलेक्ट ऑल। ठीक है सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो तो वो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप डिलीट कीबोर्ड के बटन में दिया है डिलीट बटन, उस पर क्लिक कर दो, वो चीज़ डिलीट हो जाएगा। इतना समझ में आया, अब ये मेरे को सिखाना है। अब इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। देखो इसमें एक दिया है एक्स और नीचे टू दिया है, और इसमें दिया है एक्स और ऊपर दिया है टू, बताता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग कोई कॉलेज में जाते हैं, तो हमारा जो कॉलेज में जाने के बाद यहाँ कोई भी पूछा कि कौन से स्टैंडर्ड में, सर 11th में, तो जैसे मैं 11th देता हूँ तो ठीक है, तो वैसे स्पेस देता हूँ, ऑटोमेटिक ये चीज़ ऊपर हो जाता है। ठीक है अगर बाय चांस मैं बोलूँ नहीं मुझे ना 12th चाहिए, तो 12th देखो, अरे 12th क्योंकि ये वो कमांड नहीं लिया, अगर सपोज 12th लिखूँ, चलो अब देखो ऑटोमेटिक चला जा रहा है, चला जा रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक जा भी रहा है ऊपर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मुझे लिखना है H2O4 ये देना है H2O4, सपोज मैं इसको साइज बड़ी कर देता हूँ, दिखा देता आपको, यहाँ पे मैं बोलूँ टू थोड़ा नीचे, मतलब यहाँ पे चाहिए। ओके साइंस का फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ टू को ही सेलेक्ट करो, और उसके बाद ये जो दिख रहा है एक्स और टू इसके समान दिया है ना, ये ऐसे क्लिक कर दो, देखो वो चीज़ क्या हो गया, नीचे आ गया H2O4। अभी फोर को भी नीचे चाहिए, फोर भी नीचे ले लो, मतलब जैसा भी चाहिए। ओके CO2 चाहिए तो यहाँ पे CO2, ठीक है। अब टू को आप नीचे करना है तो नीचे ले लो, ऊपर करना है तो ऊपर ले लो, ठीक है जैसा भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ इसके लिए ऑटोमेटिकली, देखो सेलेक्ट बता रहा है, वापस से मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ लिखने के बाद एंटर करोगे तो ये उसी के फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल साइज में हो गया। अब लिखो CO2, ओके
उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। एक चीज़ सीखने को मिल गई कि आपको ये भी पता चल गया, अब यहाँ पे ऊपर लेना है ऊपर ले लो, नीचे लेना नीचे ले लो। देखो अब अच्छे से फॉर्मूला लगा, यही होता है हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इतना क्लियर हो गया, ये हमने अभी तक यहाँ तक ये सीखा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आ जाओ फॉर्मेटिंग, मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। बताता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोनू कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है सर, इसको थोड़ी साइज बड़ी करनी है, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन देना है, तो इटालिक नहीं चाहिए, ठीक है, आप उस पर क्लिक करके हटा दो। अब मुझे इसको सर थोड़ा ना ये ना कलर में चाहिए, कलर में देना है, तो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड चीज़ रहेगा। देखो अगर ये चीज़ नहीं दिख रहा है तो इसको अगर मुझे मिडल में चाहिए ना, तो ये होता है हमारा सेंटर पॉइंट, ओके, सेंटर पे आप क्लिक कर दो। देखो ये सेंटर में मतलब कैसा पेज इतना है हमारा, जो ये जो चीज़ है ना हेडिंग, ये बराबर सेंटर में आया है। अब इसको थोड़ा बड़ा करना करो, अब इसमें जाओ, यहाँ पे देखो अलग अलग आपको फॉर्मेट करके, रेडीमेड ये फॉर्मेटिंग होता है, जो भी आपको स्टाइल चाहिए ले ले सकते हो, ठीक है। ये तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन ये देख लो ये रेडीमेड है, जो भी चाहिए आप इस पर क्लिक कर दो, वो अप्लाई हो जाएगा। अगर सपोज मैं बोलूँ कि नहीं मुझे मतलब कि सपोज चाहिए ही नहीं, तो मतलब नॉर्मल करना है, टेक्स्ट बड़ा है ये है, तो एक ही बार इसको अगर हटाना है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मतलब कि ये चीज़ को आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बार क्लिक करने से ये जितने भी इसके फॉर्मेट दिए ना, ये सब अप्लाई किए वो सब रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखो ये जैसा नॉर्मल हम लोग ने स्टार्ट किया था लिखा था वो सिर्फ रहेगा, और बाकी इस पे बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कलर सब चीज़ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं वापस मिडल करता हूँ। अब ये तो समझ में आया क्या होता है दोस्तों, लेकिन अब ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों में बताने से पहले सबसे पहले ये बता देता हूँ। तो इसको बोलते हैं हम फॉन्ट कलर। इसमें क्या है कि फॉन्ट को कलर दे सकते हो, मतलब हमारे जैसे पेन होता है ना, जैसे कि कौन कौन अलग अलग टाइप के, क्या जरूरी है क्या ब्लू टाइप के मतलब ब्लू कलर के पेन मिले, नहीं ना, रेड कलर का भी पेन मिलता है, तो वो जैसे रेड चाहिए तो रेड ऐसा लगा रहेगा कि लगेगा कि अरे ये रेड पेन से लिखा है, मतलब जो भी आपको फोन का कलर देना है दे सकते हो। अगर आपको सपोज ये कलर अगर मैंने ले लिया ग्रीन, तो ये लेने आप बोलोगे नहीं मुझे ना नॉर्मल करना है, तो इधर जाओ कलर, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया है ऑटोमेटिक पे क्लिक करो, या तो यहाँ पे ब्लैक कलर दिया ब्लैक, क्योंकि नॉर्मल ब्लैक कलर, या तो ब्लैक कलर और ऑटोमेटिक दोनों सेम है, तो ये मैं ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। ऑटोमेटिक करने से क्या हो गया है, वो नॉर्मल अपने कलर में आ जाता है। इतना समझ में आया। अब इसमें दो ऑप्शन है, मतलब कि अगर आपको ये तो रेडीमेड है, अगर आपको खुद से कलर बनाना है तो यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक करो। मोर कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड और कस्टम। स्टैंडर्ड मतलब क्या, यहाँ पे देखो जो भी हम नया कलर ले सकते हैं यहाँ पे पिक कर सकते हो। यहाँ पे दो दिया है, एक न्यू दिया है करंट दिया है, करंट में हमारा कौन सा कलर है ब्लैक सेलेक्ट है ना, इसके लिए करंट में ये कलर दिख रहा है शो कर रहा है। अगर मैं ग्रीन लेता हूँ ये वाला ग्रीन, या तो ब्लू लेता हूँ इतना डार्क और ओके करता हूँ, देखो ये वो कलर में आ गया। अब बोलोगे मैं यहाँ पे जाऊँ वापस से मुझे मोर कलर, अभी देखो ये बॉक्स इधर आ गया, मतलब हम लोग ने रेडीमेड मतलब यहाँ से लिया है कलर, इसके लिए वो जितना भी आप लोगे, अब देखो ये करंट में ये शो कर रहा है कि हम लोग ने ये कलर लिया है, जो भी आपको चाहिए ग्रीन चाहिए ले लो। अभी देखो वो वापस से जाओ मोर कलर, ये दोनों आ गया, समझ में आया। ये चीज़ होता है मोर कलर में, ये स्टैंडर्ड था। कस्टम में आओ तो यहाँ पे तीन कलर मिलते, याद रखना तीन कलर से मिल के हमारा एक कलर बनता है, जिसको हम बोलते हैं आरजीबी। आरजीबी का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये रेड मिक्स नहीं है इसमें, इसके लिए जीरो बता रहा है, इसके लिए ग्रीन का मतलब कि यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, मतलब कि ग्रीन कलर ज़्यादा है इसमें, ठीक है, देखो दिख रहा है, और ब्लू कलर थोड़ा कम है, तो अगर मैं इस पे ब्लू कलर को कम करना है कम कर सकते, या तो आप पॉइंटर लेके आप सेलेक्ट भी कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। इसको अप एंड डाउन मतलब क्या होता है, ये डार्क करने के लिए और ये लाइट करने के लिए, ऊपर जाओगे तो लाइट कलर मिलेगा, नीचे जाओगे तो डार्क कलर मिलेगा, ठीक है, ये समझ में आया। और जो भी चाहिए आपको ओके कर दो, यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। बोल्ड करना है बोल्ड कर दो, साइज को बड़ी करनी बड़ी कर दो, ये हमारा हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग करना कर दो, ठीक है, ये तो समझ में आया ये सब बॉक्सेस। अब इसके बाद इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर मतलब क्या, चलो मैं रेडीमेड ना बॉक्स ले लेता हूँ, सॉरी टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। रेडीमेड टेक्स्ट लेने से क्या होता है, तो ये जो हमारा है ना, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या होता है कि ये लेने से। अब ये देखो मैं बताता हूँ, अब जैसे हम लोग होते हैं ना कि अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना कॉलेज में मतलब मार्क्स में ये मतलब एक आंसर ही है, या तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ के चले जाना,
ये बहुत हाईलाइट कर देते हैं हम लोग वो चीज़ को, मालूम है? मैंने बहुत चीज़ मतलब बचपन में मैं यही करता था। तो यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे कलर मिलेगा, वो उसको कलर नहीं होगा, टेक्स्ट को कलर नहीं होगा, उसके बैकग्राउंड को कलर हो। देखो इसको ऐसे कलर करके करके हाईलाइट कर दो, एक बोलते हैं ना मार्कर, मार्कर लेते हैं और हम लोग उस पर कलर कर देते, तो वैसे ही एक ये मार्कर से कलर करना होता है, मतलब कि इससे हाईलाइट देना। अब बोलोगे नहीं मुझे चाहिए ही नहीं है, वापस से याद रखना दो चीज़ इसमें सीखना जरूरी है। हम लोग कोई भी चीज़ अगर अप्लाई करते हो तो कैसे अप्लाई करते हो, और कोई भी चीज़ हटाना है तो वो भी कैसे हटाते हो वो भी सीख लो। मैंने इतना ही सेलेक्ट किया, मतलब जितना आपको सेलेक्ट करना है इतना सेलेक्ट कर, मतलब यहाँ पे जाना, यहाँ पे नो कलर दे, नो कलर करोगे तो चला जाएगा। वैसे ही सेम थिंग यहाँ पे जाने के बाद नो कलर कर दो, ठीक है? ये हमारा कलर हट जाएगा, ये हमारा हाईलाइट कलर था, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। सो दोस्तों हमारा फॉन्ट बॉक्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और क्लिप बोर्ड भी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें हमने फॉर्मेट पेंटर नहीं पढ़ा। चलो अब मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत की बहुत यूजफुल है। वैसे देखा जाए तो सब बोलते हैं ना रिबन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जो मेन इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट पेंटर कट कॉपी पेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिलेगा ये। तो सो दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं कुछ ना काम करता हूँ, मैं बोल्ड करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ, या तो कोई भी फॉन्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे जाके फॉन्ट कलर दे देता हूँ रेड। ये मैंने बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाया। अब मैं बोलूँ कि ये जो सेम है ना, सेम मतलब जैसे कि ये सेम चीज़ मुझे ना ये लाइन को देना है सेम फॉर्मेट। अब सोचोगे इसमें क्या क्या आपने लिया है, तो इसके बाद ये मतलब बोलते हैं ना फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, उसके फॉर्मेट पेंटर को चुराना, चुराना मतलब कॉपी करना। मैं बताता हूँ, जैसे आप कॉपी करो या तो सेलेक्ट करो, ठीक है? सबसे पहले मैंने ये चीज़ को सेलेक्ट किया इतना कि सर मुझे इसका जो फॉर्मेट पेंटर है, कंप्यूटर को बताने पड़ेगा कि सर मुझे इसका जो फॉर्मेट पेंट मतलब ये जो पेंटर है ना, पेंट मतलब जितना भी इस पे अप्लाई है फॉर्मेट, ये मुझे कॉपी करना है और इधर अप्लाई करना है। तो काम करो ना, इतना सेलेक्ट करो और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, वैसे एक पेंट का ऑप्शन आएगा हाईलाइट, इस पे देखो यहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिखेगा पॉइंटर, ये देखो ये दिखा पेंट का यहाँ पे। अब वो बोल रहा है कि कहाँ से मारना है, ऐसे सिर्फ सेलेक्ट करके रखो और ड्रैग करो, जितना आपको मारना है उतना छोड़ दो। देखो ये हो गया हमारा, यही फॉर्मेट पेंटर कॉपी करके ये मिल गया, सबसे बेस्ट। आप बोलोगे नहीं मुझे नॉर्मल करना है, मतलब ये वापस से ये इसके ही फॉर्मेट में करना है, सिंपल है। इतना सेलेक्ट करो, कितना ये नॉर्मल वाला सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो और इतना वापस से आपको उसको सेलेक्ट करके छोड़ दो। इतना इजी है फॉर्मेट पेंटर भी आपका कंप्लीट। और इसका मतलब कि अब मैं यही चीज़ चाहता हूँ सब में अप्लाई करूँ, या तो ये पूरे टेक्स्ट में, देखो सबसे बेस्ट। समझ में आया? जो भी आपको चाहिए मतलब कुछ भी चाहिए तो ले सकते हो, नॉर्मल करना है तो सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ और यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके छोड़ दो, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक और ऑप्शन क्या है कि बार बार एक ही बार अप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब जैसे मैं बताता हूँ, अभी मैं सेलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, अब मैंने वन टाइम इसको सेलेक्ट करके छोड़ दिया, तो पेंट वापस से मुझे, यार ये तो करना भूल गया था, मतलब ये तो किया लेकिन ये भी करना था सर, तो फिर वापस से जाऊँ, फिर फॉर्मेट पेंटर को कॉपी करूँ, मतलब सेलेक्ट करूँ, फिर मारो, ये वापस से हो गया। मतलब बोलते हैं ना बार बार यही करना पड़ रहा, नहीं मुझे ना एक एक करके जैसे आराम से, जैसे ये मैच को करना है, इसको फॉर्मेट पेंटर देना है, इसको देना है, एक एक करके वन बाय वन देना है, मतलब मैं अपने हाथ से करूँ मैनुअली। तो काम करो ना, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाके ना आप डबल बार क्लिक करो। क्या करना? डबल बार क्लिक, डबल क्लिक। इससे क्या होगा, इस पर डबल क्लिक करने से ना, तो वो चीज़ ना एक बार अगर आपने अप्लाई किया ना, तो वो चीज़ हटेगा नहीं। देखो दिख रहा है आप, समझ में है? मतलब बार बार आप एक के साथ और भी बहुत सारे मल्टीपल आप फॉर्मेट पेंटर दे सकते हो सबको, ये जाएगा नहीं। अब जाएगा कैसे, वापस से आप इस पे क्लिक करके हटा दो, चला जाएगा। और नॉर्मल करना है तो इसको सेलेक्ट करो, या तो दूसरा तरीका मैंने बताया था सबको सेलेक्ट करो, ठीक है, या तो इसको हट रहना है स्मार्ट कंप्यूटर, सॉरी सोनू कंप्यूटर एकेडमी, एक्चुअली मैं इसमें पहले कंप्यूटर क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बार बार मेरे चेहरे से वही मुँह से वही सुनाई देता है, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ, नॉर्मल अपने टेक्स्ट पे हो गया, ठीक है, ये हमारा इतना बॉक्स क्लियर हो गया। अब आ जाओ ये बताता हूँ, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये होता है लेफ्ट सेंटर, ओके, लेफ्ट के लिए अलाइन, और ये सेंटर मैं बताया था सेंटर, और ये होता है राइट के लिए, ठीक है, सिंपल है इतना। उसके बाद ये इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई, क्या बोलेंगे दोस्तों? जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब क्या होता है कि देखो ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ का दिख रहा है, ये जो लाइन है एकदम सेम है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है, ये लाइन दिख रहा है राइट वाला, सेम नहीं है, मतलब आगे पीछे आगे पीछे, मुझे ये लेवल का सेम ये भी लेवल चाहिए। तो काम करो, इसको सेलेक्ट करो,
यहाँ पे जाओ जस्टिफाई पे आप क्लिक कर दो। जस्टिफाई पे क्लिक करने से क्या होगा, जैसे मैं क्लिक किया देखो वो एडजस्ट होके बरोबर सेम लाइन में हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया, ये होता है हमारा जस्टिफाई। वापस से हटाना है इसको, सेलेक्ट करके हटा दो, देखो चला गया सेम लाइन में नहीं है, ठीक है। ये पैराग्राफ को एकदम सेम लाइन में कर देता है। इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाओ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग मतलब क्या होता है कि लाइन के ये जो दिख रहा है ये वन लाइन, ये टू लाइन, ये थ्री लाइन, इसके बीच में ना मुझे ना थोड़ा और जगह चाहिए, तो सेलेक्ट करो जितना आपको चाहिए, यहाँ पे जाओ कितना चाहिए सिर्फ रख दो। उसका प्रीव्यू यहाँ पे बताएगा, देखो टू डबल चाहिए तो डबल, मतलब 2.0 चाहिए 2.0 इतना, और इसी पे चीज़ वो अप्लाई हो रहा है, इसी पे। इस पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसी को सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे थ्री मतलब थ्री, और अगर थ्री से ज़्यादा चाहिए तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाओ। इस पे जाने से क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ पे मल्टीपल, ये लाइन स्पेसिंग है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीपल डबल 1.5। अगर मैं डबल लूँ तो यहाँ पे देखो ये प्रीव्यू दिखेगा, और ओके करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डबल जाके दिखेगा। समझ में आया, ये होता है हमारा लाइन स्पेसिंग का। और एग्जैक्टली करोगे तो एग्जैक्टली पे जाओ, यहाँ पे नॉर्मल मतलब जैसे चाहिए आपको ये यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। ये होता है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। उसके बाद आ जाओ, ये होता है हमारा शेडिंग। शेडिंग मतलब एक होता है कि शेडो देना, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट को शेडो मतलब टेक्स्ट को कलर नहीं देगा, देखो वही चीज़ है, तो इसको पीछे इसके बैकग्राउंड को कलर देगा, ठीक है। ये होता है, लेकिन बोलोगे यार सर आप तो ये भी पढ़ाए हो और वो भी पढ़ाए हो, क्या टेक्स्ट हाईलाइट कलर दोनों में फ़र्क है। देखो ये जो है ये थोड़ा अलग है, देखो अब इतना मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस पर जाता हूँ तो वो चीज़ इतना ही सेलेक्ट होगा, ठीक है, इतना ही कलर होगा। अगर मैं सेम यही चीज़ सेलेक्ट करूँ और इधर जाऊँ तो पूरे लाइन को सेलेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी, इसका वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 26 मिनट का, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये तो हो गया हमारा सेटिंग। उसके बाद आ जाओ बॉर्डर। बॉर्डर मतलब क्या, बॉर्डर मतलब ये होता है कि सर मुझे ना इतना मुझे पैराग्राफ है ना सबको बॉर्डर देना है, मतलब एक बॉक्स में चाहिए, ठीक है। इतना मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इधर जाओ, यहाँ पे जाने के बाद ना ये ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर करके लिखा है। क्या लिखा है, आउटसाइड बॉर्डर। जैसे मैं आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर दूँ, देखो ये आउटसाइड बॉर्डर मतलब बाहर के बॉर्डर। अब बोलोगे नहीं मुझे बॉर्डर ही नहीं चाहिए, तो इधर जाओ यहाँ पे लिख के आएगा नो बॉर्डर, नो बॉर्डर देना है तो नो बॉर्डर। अब याद रखना, अभी जैसे इसके बॉक्स इसको बॉक्स में करना है तो इसको ही मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं आउटसाइड बॉर्डर कर दूँ तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दूँ, देखो इतना बॉर्डर आ जाएगा। जो भी आपको मिडल में चाहिए मिडल में ले लो, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए। ये तो हमारा ही है। अब बोलोगे नहीं मुझे सिर्फ एक लाइन चाहिए, बताता हूँ क्या लाइन। देखो अब जैसे ये हेडिंग है, ये हेडिंग के नीचे मुझे एक ही लाइन चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम बॉटम बॉर्डर। वन लाइन दे दो ना तो बॉटम बॉर्डर से क्या होगा, एक लाइन आ जाएगा, एक अच्छी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर दो। एक एक आप अप्लाई कर सकते हो, टॉप में चाहिए तो टॉप, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट, राइट में चाहिए तो राइट में, ऑल बॉर्डर करोगे तो ऑल बॉर्डर, ठीक है। आउटसाइड इनसाइड ये मैं बताता हूँ क्या होता है, जब हम टेबल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो होता है टेबल, ये हमारा इंसर्ट के अंदर जब टेबल पढ़ेंगे ना तब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बॉर्डर में, ठीक है दोस्तों। इतना कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, इसको बोलते हैं बुलेट्स, इसको बोलते हैं नंबरिंग, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। बताता हूँ ये चीज़ क्या होता है। अब सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्सेस, ठीक है, या तो मैं इसको सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इतना मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर्सेस, कोर्सेस में क्या क्या, जैसे मैं लिखता हूँ बेसिक, बेसिक के अंदर क्या आता है, इंट्रो, ओके, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है, मैं शॉर्टकट में पढ़ा देता हूँ। उसके बाद क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बाद क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एमएस वर्ड आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, एमएस वर्ड के बाद एमएस एक्सेल आता है, ठीक है, फिर एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, फिर इंटरनेट, ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं बोलूँ नहीं इसको मुझे सिंबल में देना है, क्या देना है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं बुलेट्स, बुलेट्स पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक बुलेट्स में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोलोगे नहीं मुझे इसमें ना ये बुलेट्स नहीं चाहिए, मतलब ये सिंबल नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जाओ ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इस पे ले लो, ये ले लो। देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये हमारा ये बुलेट्स था। अब आ जाओ नंबरिंग। अब बोलोगे नहीं चाहिए तो क्या करोगे, मतलब बुलेट्स आपको चाहिए तो, नहीं तो यहाँ पे नन कर दो ना,
तो यहाँ पे नन का भी ऑप्शन है, नन मतलब कुछ भी नहीं, क्लिक कर दो चला जाएगा। उसके बाद आ जाओ नंबरिंग, नंबरिंग मतलब क्या, अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे 1 2 3 4 या तो ये देखो ये होता है हमारा, यहाँ पे नंबर में अलग अलग चीज़ रोमन रोमन लैंग्वेज में आ जाता है, यहाँ पे क्लिक कर दो 1 2 होता है ना 8 तलक, ये फ़ायदा होता है। अब बोलोगे इसके बाद भी चीज़ से मतलब और लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करो एंटर लिखते जाओ, क्लिक करके एंटर लिखते जाओ, अगर उसके बाद एंटर किया ठीक है, अगर कुछ लिखते नहीं हो वापस से एंटर करते हो तो वो चीज़ चला जाएगा। देखो अगर वापस से आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो और लास्ट में क्लिक करो, उसके बाद एंटर करो तो जो भी आपको आएगा वो। और इसमें क्या होता है कि आपको सेलेक्ट करने की मतलब ये सेलेक्ट नहीं होगा, आप ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, अब आप इसको नंबरिंग में भी जा सकते हो, बुलेट्स में भी जा सकते हो, जिसमें आपको देना है वो दे सकते हो। ये सबसे अच्छा चीज़ है ठीक है, ये आपका बहुत बेस्ट है, और इसमें मल्टी लिस्ट में दोनों मिलेगा आपको, जो भी आपको चाहिए नंबर सेक्शन हेडिंग जो भी आपको चाहिए ले सकते हो, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 जो भी आपको चाहिए रहेगा वो मिल जाएगा। ये हमारा बुलेट्स में इतना था ठीक है, कंट्रोल जेड करोगे कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा, ये चीज़ होता है हमारा इसमें। ओके दोस्तों हमारा नंबरिंग भी कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इंडेंट, ओके इंडेंट का मैं बताता हूँ आगे के लेक्चर में। ये होता है हमारा असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम सॉर्ट बोलते हैं, ये आपको आगे बहुत काम की चीज़ आने वाली है ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी मतलब समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सपोज यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ ठीक है, यहाँ पे सिंपल नंबर अमाउंट लिख देता हूँ जो भी आपको चाहिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ जो भी। अब मुझे ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग मतलब जो सबसे छोटा मतलब जो सबसे छोटा अमाउंट है ना वो पहले आए, उसके बाद उससे छोट मतलब उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ठीक है। मैं बताता हूँ, जैसे इसको सबको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे जाओ ठीक है, सॉर्ट पे क्लिक कर दो, सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ है मतलब पैराग्राफ सेलेक्ट है, यस सर। यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, एक टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, डेट होता है। अगर हमने नंबर को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे याद रखना नंबर सेलेक्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिक कर देता कन्वर्ट। क्या चाहिए, असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब छोटे क्रम से बढ़ते हुए, और डिसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम से घटते हुए ठीक है, A to Z, Z to A। तो हमें असेंडिंग मतलब A to Z चाहिए, ओके बड़े नंबर से मतलब छोटे नंबर से बड़ा नंबर आना स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे पीछे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ये ओके किया है देखो, पहले छोटा फिर उसके बाद 2 5 7 के बाद फिर ये बड़ा आया 5 2, ये आया 5 2, ये आया ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये तो नंबर पे मैंने अप्लाई किया था, अब सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल ठीक है, बॉय ओके, कैट कैट ठीक है, कुछ भी बनाना ठीक है, और क्या पाइनएप्पल, और भी बहुत सारा, साइकिल कुछ भी लिख लो, मोटर, वाईफाई, कीबोर्ड, माउस, इसमें भी वैसे ही है, जो स्टार्टिंग ए से आ रहा है ना तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। सेलेक्ट करो, सॉर्ट में जाओ, यहाँ पे देखो टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसके लिए टेक्स्ट ठीक है, असेंडिंग असेंडिंग, यहाँ पे ओके कर दो, यहाँ पे देखो ए बी बनाना, उसके बाद एन मतलब बी कैट साइकिल, ये मतलब ये सी सी सेम है, लेकिन क्या है ए और वाई मतलब पहला ए आता है इसके लिए ए, ये तो ये हमारा लेटर पहला लेटर ये हुआ, ये ऐसा होता है असेंडिंग और डिसेंड। डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पे जाओ, डिसेंडिंग पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, देखो उल्ट बड़े से छोटा ठीक है, ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग था। इतना कंप्लीट हो गया, अब ये कंप्लीट हो गया मतलब क्लिपबोर्ड का बॉक्स, फॉन्ट का बॉक्स, पैराग्राफ का बॉक्स, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन है कि जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी तक डिटेलिंग में, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बुलेट्स का, हाउ टू यूज अ बुलेट, कैसा कैसे यूज किया जाता है और नंबरिंग कैसे यूज किया जाता है ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्टाइल्स, अब स्टाइल्स में क्या क्या आता है ठीक है। सो दोस्तों हम अब स्टाइल पढ़ेंगे ठीक है, अब स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे इजिकल टू RAND में टाइप किया तो इसमें ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्मेट करके मिले रहते हैं, मतलब एक रेडीमेड ही होते हैं ना, कपड़े 2 टाइप के मिलते हैं, एक तो आप कोई मार्केट मतलब दुकान पे जाओ, वहाँ पे आपको अर्जेंट में कपड़ा चाहिए एकदम टी शर्ट जो भी, तो आप सेलेक्ट करते हो और ले लेते हो, और दूसरा चीज़ क्या होता है कि आप अगर फॉर्मल या तो कुछ सिलाना चाहते हो तो सिला के आप वो, तो वैसे ही आपको अगर खुद से क्रिएट करना है तो यहाँ पे ये स्टाइल है, मतलब ये बोल्ड इटालिक अंडरलाइन ठीक है, ये होता है यूज करके कर सकते हो स्टाइल, लेकिन आपको रेडीमेड चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ रख दो
कर्सल यहाँ पे, सर्कल यहाँ पे देखो, ऑलरेडी सब चीज़ बना हुआ मिलेगा। अब देखोगे ये इतना नहीं है, और भी है। यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे ये मोर पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो ये ऑलरेडी ये सब मिला हुआ है, ठीक है। जैसे भी आपको ये टेक्स्ट चाहिए क्लिक कर दो, ये रेडीमेड हो जाएगा। नॉर्मल चाहिए तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दो, मतलब ये फॉर्मेट स्टाइल हट जाएगा। ये सिंपल यही होता है। अब उसके बाद आ जाओ फाइंड। फाइंड में इसमें दो है, मतलब यहाँ पे एक फाइंड ये और दूसरा फाइंड ये। फाइंड पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे देखो ये। अब इसमें क्या होता है कि अगर मुझे द इसमें ढूंढना है, द किधर किधर, तो द लिख दो तो द तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस द के बाद वाला जो अदर है उसमें भी टी एच ही मिलेगा। और इसके बाद ये रिजल्ट में यहाँ पे भी बता देगा कि आपका ये चीज़ इधर है। यहाँ पे सिर्फ मतलब कि यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर दो, ये हमारा ये। अगर आपको इसको क्लिक क्लोज करना है तो इस पर क्लिक कर दो, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइंड में था। अब इसके बाद एडवांस, एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड मतलब कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा है फाइंड व्हाट, मतलब ये वन बाय वन फाइंड करेगा। जैसे मेरे को लिखना है कि इसके अंदर सर डॉक्यूमेंट किधर किधर है, तो डॉक्यूमेंट फिर क्लिक की मतलब लिख दो, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करो, फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे है सर डॉक्यूमेंट, फिर वापस फाइंड नेक्स्ट करो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्लिक करो, अरे फाइंड है, यहाँ पे भी करो, ओके फाइंड है, ओके। ये होता है। अगर हाईलाइट ऑल करोगे, देखो हाईलाइट ऑल से क्या होता है कि जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट है वहाँ वहाँ हाईलाइट हो, क्लियर हाईलाइटिंग, क्लियर हाईलाइटिंग, ठीक है। अब बोलोगे नहीं मुझे ना सिर्फ इसके अंदर ही ढूंढना है डॉक्यूमेंट, तो सेलेक्ट करो यहाँ पे जिसको आपको सेलेक्ट करना है, फाइंड पे जाओ, फाइंड एडवांस फाइंड, यहाँ पे फाइंड इन में जाओ, करेंट सेलेक्शन मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट मतलब करेंट सेलेक्शन मतलब जो हम लोग ने सेलेक्ट किया उसी के अंदर वो चीज़ फाइंड कर सकते हो। मेन डॉक्यूमेंट मतलब पूरा पेज, ठीक है, उसके अंदर आप सेलेक्ट मतलब फाइंड कर सकते हो। जैसे करंट, तो ये देखो इसमें हमने ये मिल गया डॉक्यूमेंट, ओके, इसके अंदर यही। फाइंड नेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग होता है। और मेन डॉक्यूमेंट करोगे तो देखो यहाँ पे करंट सिलेक्शन जो भी, यहाँ पे अभी सिलेक्शन हट गया इसके लिए ये चीज़ आ रहा है। अब मेन डॉक्यूमेंट कर दो वापस से आ जाएगा, रीडिंग हाईलाइट पे हाईलाइट ऑल कर दो वापस से, ओके, फाइंड नेक्स्ट करो तो एक एक करके ये आ जाएगा, ठीक है। क्लोज करना है क्लोज कर दो। तो लेकिन ये तो फाइंड तो समझ में आया, एडवांस फाइंड, लेकिन इसके अंदर ना एक और ऑप्शन है रिप्लेस। आपको रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे भी होगा और सेकंड चीज यहाँ पे भी होगा, चाहे आप इस पे क्लिक कर दो वही बॉक्स आ गया रिप्लेस। रिप्लेस मतलब उसके जगह पे, एक एग्जांपल के तरफ से होता है ना फुटबॉल प्लेयर। फुटबॉल प्लेयर में क्या होता है, फुटबॉल जब हम खेलते हैं या तो देखते हैं तो उसमें हर प्लेयर चेंज होता है, मतलब कि उसके जगह पे रिप्लेस होके ये आ जाता है कि कोई मतलब उसको रेड कार्ड दे दिया गया तो मैच मतलब ग्राउंड से बाहर, या तो येलो कार्ड के तो वार्निंग दे दिया गया। तो वैसे ही हमारा रिप्लेस मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं बोलूँ जहाँ जहाँ सर डॉक्यूमेंट लिखा है ना वहाँ वहाँ फाइल्स होना चाहिए नाम, तो ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे रिप्लेस भी मतलब उसके जगह पे क्या होना चाहिए, फाइल होना चाहिए सर। फाइल लिख दो और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करो, ओके, वापस से फाइंड नेक्स्ट, लेकिन ये चीज़ कन्वर्ट नहीं हुआ किसमें, फाइल में। तो यहाँ पे दिख रहा है रिप्लेस है, मतलब ये डॉक्यूमेंट ये वाला रिप्लेस करना है, हाँ ये फाइल में रिप्लेस करना है, यस सर फाइल में। तो यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर दो। रिप्लेस पे क्लिक करने से क्या हो गया, देखो वो डॉक्यूमेंट हट के यहाँ पे फाइल आ गया, दिख रहा है सेम। और ये चेंज होके ना आगे बढ़ जाएगा कि आगे का काम करेगा कि डॉक्यूमेंट और किधर किधर है। तो यहाँ पे आप रिप्लेस पे क्लिक कर दो, देखो ये रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे भी देखो रिप्लेस, ओके, यहाँ पे भी रिप्लेस, तो हो गया। यहाँ पे वी आर फिनिशिंग सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, ओके, यहाँ पे ओके कर दो, ये कंप्लीट हो गया। रिप्लेस था, रिप्लेस हो गया एक एक भर के। अब बोलोगे नहीं मुझे ना जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट मतलब जहाँ जहाँ फाइल है वहाँ वहाँ डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइल लिख देता हूँ। और रिप्लेस ऑल करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो, यहाँ पे बता देगा ऑल डन, वी मेट फाइल रिप्लेसमेंट, मतलब जहाँ जहाँ फाइल था वहाँ वहाँ डॉक्यूमेंट हो गया। देखो यहाँ था, यहाँ था, मतलब पाँच जगह पे फाइल था, फाइल उसके जगह पे रिप्लेस करके डॉक्यूमेंट कर दिया गया। ये हमारा होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, ठीक है। गो टू, गो टू मतलब क्या, कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, कहाँ पे, जैसे पेज, पेज में जाना है कि यहाँ पे वन पेज है इसके लिए, एक वन पेज पे ही हम, तो यहाँ पे जैसे अगर और भी पेजेस होते हैं, सपोज मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो इसे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आता है, कंट्रोल प्लस एंटर करने से नेक्स्ट पेज हमारा क्या आता है, आता है यहाँ पे। और पता कैसे चलता है कि टोटल कितने पेज है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा टास्क बार है, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा ये 6 of 6। 6 of 6 मतलब क्या, स्टेटस बार, इसको सॉरी टास्क बार नहीं बोलते, इसको स्टेटस बार बोलते। तो ये स्टेटस बार पे हमारा शो होता है कि हमने टोटल कितने पेज लिए और कितने पेज पे है हमारा, और टोटल 242 वर्ड्स हमने टाइप किया है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट पेज पे जाना है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे वन लिखो, लिखने के बाद गो टू कर दो, देखो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे आप वन पेज पे हो और टोटल 6 पेज है, ठीक है। अब लाइन पे आ जाओ, लाइन पे मतलब कौन से लाइन पे, हम सेकंड लाइन पे, अगर मुझे 14 या तो 10 लाइन पे जाना है, 10 लाइन पे लाइन, ओके कर दो। यहाँ पे 10 का यहाँ पे किधर पॉइंटर तो दिख रहा होगा, सॉरी एक मिनट,
फाई लाइन, फाई नहीं, इधर नहीं शो कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको ये चीज़ आगे बताऊंगा GoTo का यूज़। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल मतलब क्या, सेलेक्ट ऑल मतलब ये पूरा सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप नॉर्मल डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि अगर सपोज मैं इंसर्ट पे जाके कोई सेप्स ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि क्या होता है, यहाँ पे जाता हूँ और दूसरे दूसरे अलग अलग सेप्स ले लेता हूँ, ठीक है, वेरी सो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ जो भी, अब मुझे सिर्फ ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये नहीं, टेक्स्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट्स को, इसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, तो यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं आगे ट्यूटोरियल बताऊंगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का, उससे दूसरा तरीका है। उसके बाद आ जाओ सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब जितने भी, अभी जैसे सपोज मैं इसको सेलेक्ट किया, या तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया, इसको दे देता हूँ इतना, ठीक है, इसको, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसको इतना दे देता हूँ। अब मैं बोलूँ जितने भी ये फॉर्मेटिंग के हैं ना, इतने ही, मतलब सेम फॉर्मेटिंग, मतलब सेम हैंड राइटिंग और सेम टेक्स्ट स्टाइल, सेम फॉर्मेटिंग से लेके हर चीज़, जहाँ जहाँ ये है सेम राइटिंग से लेके सब फॉन्ट स्टाइल सेम, मतलब सेलेक्ट करो। तो इधर जाओ, इधर जाने में सेलेक्ट, देखो वही चीज़ सेलेक्ट करेगा जो सेम हैंड राइटिंग और ये टेक्स्ट, मतलब जो भी दिया है, ये होता है हमारा सेलेक्ट विथ टेक्स्ट विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ओके, सिलेक्शन पेन में बताऊंगा आपको आगे क्या है। उसके बाद ये हमारा होम टैब कंप्लीट हो गया है आज के इस ट्यूटोरियल में। ओके, सो दोस्तों इसके बाद फिर अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा होम के अंदर के इंसर्ट के ट्यूटोरियल, ठीक है, इंसर्ट मतलब सॉरी इंसर्ट का टैब सिखाऊंगा, उसके अंदर आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये एक मतलब कि इसका भी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। ओके।